प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत 13 मार्च को प्रदेश की समस्त कॉलोनियों को वैध घोषित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दिया, बल्कि जिले के प्रॉपर्टी डीलरों को जिला प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिसके विरोध में गुरुवार को समस्त प्रॉपर्टी डीलरों ने पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। जिले के समस्त प्रॉपर्टी डीलरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रशासन ने रसूखदार पावरफुल प्रॉपर्टी डीलरों को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया। हम लोगों को जो छोटे मोटे शहर से लगी हुई वो कृषि भूमि, जिस पर सालों से कृषि कार्य होता आ रहा है, लेकिन विगत 5 से 10 वर्षों में वहाँ आवास बन चुके हैं, जिन्हें किसानों ने स्वयं छोटे छोटे टुकड़े कर विक्रय किया है और आज भी जरूरत के हिसाब से विक्रय करते चले आ रहे हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं, वैध अवैध स्पष्ट नहीं हो पाया। टीकमगढ़ शहर अत्यधिक पिछड़ा शहर है, जिससे शासन की गाइडलाइन हम तक नहीं पहुंच सकी है, इसे हम आज तक अनभिज्ञ रहे हैं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अवैध कॉलोनी के संबंध में जो हम लोगों को नोटिस दिए गए हैं उससे संबंधित ज्ञापन दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नगरोदय प्रोग्राम के अंतर्गत सारी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके बाद भी राजनीतिक दृष्टिकोण हम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक रसूखदार लोगों को छोड़ दिया गया है और हम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने निर्णय किया है कि आगामी आज दिनांक से जब तक इसका संशोधन नहीं होता है तब तक हम लोग रजिस्ट्री पंजीबद्ध नहीं कराएंगे। कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं? हम लोगों को करीब 80-82 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके जवाब में हम लोगों को 19 तारीख और 22 तारीख दी गई थी और वो जवाब हम लोग देंगे उसको। क्या आप लोगों के रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? रेरा में रजिस्ट्रेशन जो कराया जाता है उसकी कार्रवाई अति कठिन है, क्योंकि 5 एकड़ से कम जमीन रेरा में नहीं की जाती, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, और यहाँ पर आधा एकड़, 1 एकड़ और 2 एकड़ की रकबे हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम देख समझ के आगे जो भी होगा शासन निर्देशानुसार कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।